मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूं। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन दो घटनाओं को लेकर है। देश के अंदर हिंदू समाज को टारगेट किया जा रहा है, बदायूं के अंदर दो नाबालिग युवकों की निर्मम हत्या दो विशेष समुदाय के युवकों द्वारा की गई, और जिस प्रकार के सोशल मीडिया में सामने आ रहा है कि उनके कुल्हाड़ी से काटने के बाद उनका खून जो है वो उन्होंने पिया, यह तांत्रिक घटना से भी इसको जोड़ा जा रहा है। मैं धन्यवाद करूंगा यूपी पुलिस का, जिन्होंने एक युवक को जो है वो मार गिराया है और दूसरे की तलाश जो है वो पुलिस कर रही है। इसी के साथ ही कर्नाटका के अंदर एक हनुमान चालीसा चलाने के ऊपर एक मोबाइल शॉपकीपर जिसका नाम मुकेश है, उसकी निर्मम हत्या की गई। 5 से 6 मिनट तक 6 युवक उस युवक को इसलिए मारते रहे कि उसने अपनी दुकान के ऊपर हनुमान चालीसा का जो है वो पाठ लगाया हुआ था। अब समाज के अंदर कोई हमें नहीं बताएगा कि हम क्या चलाएंगे क्या नहीं चलाएंगे, हम किस प्रकार की पद्धति से अपनी पूजा अर्चना करेंगे, यह किसी को बताने का हक नहीं। पूरे देश के अंदर हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम हो रहा है। कर्नाटका के अंदर विशेष तौर पर हिंदुओं को दबाने का काम, जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया जा रहा है, जिसको हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं कर्नाटका सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर जल्द से जल्द उन दोषी युवकों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला और हिंदुओं को वहां पर सुरक्षित नहीं किया गया तो पूरे देश का हिंदू संगठित होगा और फिर कर्नाटक सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम जो है वो पूरे देश के अंदर किया जाएगा।